चैलेंज ये था कि 10 मिनट में 1000 रुपए के अंदर जो सबसे ज्यादा शॉपिंग कर पाएगा वो बनेगा विनर। बेटा एक और कंडीशन ये है कि अगर मैं जीती तो मेरे सारे पैसे तू भरेगा और अगर तू जीता तो तेरे पैसे तू भरेगा। ओके डन, चल। भैया ये कितने का दे रहे हैं? ये देखो मैम लिखा हुआ है फिक्स प्राइस 40 रुपए। ओके ठीक है भैया, मैं इसका 20 रुपया दूंगी। दो गई यार। ये क्या है भैया? पर्स है मैडम। अरे जाने दो, पैसे ही नहीं है, पर्स लेके क्या करूँ। 500 रुपए बहुत महंगे होते हैं भैया। आप फाइनल कितना दोगे बोलो? 80 रुपए दूंगी। क्यों मजाक कर रहे हो दीदी? अरे खाली बैग है ये, इसमें सामान भर के थोड़ी दे रहे हो आप। देना है तो दो। 400 रुपए लगा दो मैम। चलो अब बिल्कुल नहीं, 350 फाइनल। नहीं लेना यार मुझे। ये क्या है भैया? उई माँ, परफ्यूम से मैम, जिनके बॉडी से बदबू आती है वो लगाते हैं। खुशबू अच्छी है ना, सूंघ के देख लो ना। भैया ये परफ्यूम किस चीज से बनी है जो इतने सस्ते में बेच रहे हो? गाय के गोबर से। अरे मेरा मतलब गाय के गोबर से इसका कोई लेना देना है नहीं, फूलों से बना है, सिर्फ आप जैसे फूल के लिए। देखा भैया ने मुझे फूल बोला, फ्लावर। अबे पागल, उसने तुझे ब्लडी वाला फूल बोला। चल चल जल्दी चल, ये मुझे आएगा क्या भैया? नहीं आएगा मैडम। क्या आपको मैं मोटी लग रही क्या? ना ना मैडम, आप बहुत स्लिम हो, ये डबल एक्सल साइज थोड़ा छोटा है, सिर्फ 45 इंच मैडम। 45 तो बहुत कम होता है ना भैया। व्हाट? ठीक है फिर, मोटे लोगों को मोटा डिस्काउंट चाहिए। कर देना मोटी बात। 250 बहुत ज्यादा हो जाएगा भैया, 50 रुपए में दे दो ना। बिल्कुल नहीं मैडम, मुझे ना सुनने की आदत नहीं तो है। निकल जाइए ना। ये पहनने वाले जूते हैं क्या भैया? हाँ क्यों, आप जूते खाते हो क्या? लास्ट प्राइस 1100 रुपए लगेंगे। पागल हो क्या भैया? ये देखो मेरे पास अभी बस 80 रुपए बचे हैं, देना है तो दीजिए 80 में। मैडम 80 में जूते नहीं मिलेंगे, जूते पड़ेंगे आपको। भाई तेरे लिए एक मस्त चीज मिली है, देखेगा ये देख, इसमें लिखा भी है हेलो ब्लॉगर। अबे भाग यहाँ से। और कितना टाइम बचा है? 2 मिनट। चलो चलो चलो। हे भगवान, और क्या लूँ समझ नहीं आ रहा है। भैया मैं गेम हार जाऊंगी, प्लीज इसका 150 लगा दीजिए ना। मुझे सब पता है मैडम, ये ट्रेंड चल रहा है, आप जैसे कुछ यूट्यूबर आते हो चैलेंज चैलेंज बोल के चूना लगा के चले जाते हो। 80 रुपए बचे हैं अंकल। हाँ वो तो दिख रहा है, पर हम क्या करें? 80 रुपए में कोई टी शर्ट दे दो ना भैया। मैडम एक काम करिए, उस तरफ से बाहर निकल जाइए। आप बहुत कंजूस हो भैया। हम कंजूस है तो आप कंजूसों की देवी है। अरे आप थोड़ा साथ देते तो एक नारी शक्ति जीत जाती ना। इसे जीतना नहीं लूटना बोलते हैं। मैडम एक नंबर क्वालिटी के बैग्स हैं, लाइफ टाइम गारंटी। 80 रुपए में देंगे क्या? अंकल वो बाजू वाला बहुत कंजूस है यार। पर आप चेहरे से बहुत अच्छे नेक और दयालु लग रहे हैं। थैंक यू बेटा, पर एक बात बोलूं क्या? Okay. मेरा ही बेटा है वो। अंकल 50 रुपए में जो भी है आपके पास दे दो ना। अरे बेटा ये क्या तरीका है भीख मांगने का, ये लो टोपी रख लो। ये लीजिए आपके 50 रुपए। अरे नहीं नहीं बेटी रख लो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है फिर अंकल, मेरी भाभी के लिए एक टोपी दे सकते हैं क्या? चुप, निकलो इधर से। टेंटेड है, अब तेरी बारी। अरे नहीं मैं सरेंडर करता हूँ। डर गया ना? हाँ रे। बेटा आइंदा कभी मेरे से चैलेंज मत लगाना, मेरे सामने कोई नहीं टिकता। आई एग्री। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के भीख मांगना भी एक कला है रे। क्या बोला? हाँ तो दोस्तों, जिन्होंने भी हमारा कोलकाता का न्यू मार्केट का वीडियो देखा होगा, जहाँ इन लड़कियों ने 4 घंटे शॉपिंग की और मेरा हालत खराब कर दिया था, पर इस बार मैंने ये गलती नहीं की। मुझे पता था ये लड़की फैशन स्ट्रीट में घंटों शॉपिंग करेगी, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये चैलेंज का गेम खेला कि 10 मिनट में शॉपिंग का काम निपट जाए। आप बोलो सही में ये चैलेंज किसने जीता, बहन या मैं? दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक, जुहू चौपाटी और मरीन ड्राइव का शेयर कराएंगे। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। अरे बाप रे, यहाँ तो गाड़ियों को झूला झुलाया जा रहा है।